वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का P10 न्यूमेरिकल के पहले सेगमेंट में, जहां पर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। और इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन और कूलम्स लॉ को लेकर। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम शुरू करें, उससे पहले आपको टॉपिक का थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया जाए, सो दैट क्वेश्चंस को पिकअप करने और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होगी। तो अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, पहला टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन है, जिसके अकॉर्डिंगली चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी, इसको हम लिखते हैं क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। किसी भी बॉडी के ऊपर आने वाला चार्ज एन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे तो नेगेटिव में लिखा जाएगा। एक बार में इसको एक ही लिखना है। एन की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलेगी, जो कि होल नंबर में होगी, और ई यहाँ पर इंडिकेट करता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹ है कूलम में। ये वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर आप प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और यही वैल्यू नेगेटिव आ जाती है अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो इसके अलावा कुछ और वैल्यूज हैं जो हमें न्यूमेरिकल में कई बार हेल्प करती हैं, तो ये वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए, जिसमें पहली वैल्यू है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 × 10⁻¹⁹ kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ kg। इन द सेम वे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल भी अगर हम याद रख लें तो प्रोटॉन के ही रिस्पेक्ट में है। अगर प्रोटॉन का चार्ज आप 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बनता है, और अगर प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स कर देते हैं तो ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बनता है। वैल्यू कैलकुलेटेड है 4 × मास ऑफ प्रोटॉन 6.6 × 10⁻²⁷ kg, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 × चार्ज ऑफ प्रोटॉन 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। बाकी अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको और डिटेल देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में भी समझ सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे स्टार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते वक्त हमेशा हम जी यानी कि गुरु मंत्र, जिसे हम गिवन का नाम देते हैं, वहां से हमें शुरू करना है हर न्यूमेरिकल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ आपको दी गई है उसको लिख लेंगे, जो पूछा गया है उसे भी लिख लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहीं पर हमें एक कॉमन सिस्टम, मोस्टली SI सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, तो न्यूमेरिकल का जो वैल्यूज दी गई हैं उनको कन्वर्ट भी जरूर कर लेना चाहिए। मोस्टली जो गलतियाँ होती हैं वो न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसी वजह से करते हैं कि हम वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं करते हैं। दूसरा, जहां तक हो सके अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, यहाँ तो खैर जरूरत नहीं होगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप कोशिश करेंगे कि आप फिगर भी बनाएं तो आपके लिए क्वेश्चन को करना इजी होगा। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें डायरेक्टली दे दिया है 12.5 × 10⁸। चार्ज हमसे पूछा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम पहले से ही जानते हैं, यहाँ पर 1.6 × 10⁻¹। तो जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, वी नो दैट, जो फॉर्मूला हमें पता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, जिसमें एन की वैल्यू हमारे पास 12.5 × 10⁸ और ई इज 1.6 × 10⁻¹। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपस में आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही सकते हैं। तो जब आप इसमें वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको आपका ये आंसर मिल जाएगा 2 × 10⁻¹⁰ कूलम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। अगर हम यहाँ पर गिवन फैक्टर्स को लेकर चलें तो हमें समझ में आता है कि गिवन कंडीशन यहाँ पर हमें कैसे दी गई है। इस बार हमसे चार्ज पूछा है ऑफ न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस हमारे पास 26 Fe56। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट को जब ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है तो ये जेड एक्सिस फॉर्मेट होता है, जिसमें ऊपर वाला नंबर मास नंबर को इंडिकेट करता है और नीचे वाला नंबर चार्ज
चार्ज नंबर को इंडिकेट करता है। चार्ज नंबर का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ हम प्रोटॉन से लेकर चलेंगे क्योंकि बात न्यूक्लियस की हुई है जहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास एटम होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस वर्ड की जगह एटम लिखा होना चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसमें एन हमें दूसरे तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया गया है 26। चार्ज हमसे पूछ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सॉल्व करेंगे बहुत ही बेसिक फॉर्मूला लगाकर, यू इज इक्वल्स टू एन ई, एन की वैल्यू 26 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और ये क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज है इसलिए ये पॉजिटिव में सॉल्व होगा, तो पॉजिटिव में इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपको ये मिल जाएगी 4.16 × 10⁻¹⁸ कूलम। हमारा यही आंसर इस क्वेश्चन का बनता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। अगर आप इसे समझ सके हैं तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के बारे में, हाउ मैनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन को करें तो करने का कॉन्सेप्ट वही है, क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला ही लगाने वाले हैं, बट यहाँ पर एक और रिलेशन मेगा कूलम के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। तो ध्यान रहे मेगा कूलम जिसको हम कैपिटल एम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर इस मेगा कूलम की वैल्यू 10⁶ कूलम बनती है। अगर आपको कूलम को कन्वर्ट करना है मेगा कूलम में तो 1/10⁶ आपको करना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेप हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने पर क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हमसे पूछा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये पूरा न्यूट्रल होगा, उसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो आपको कोई भी एक वैल्यू निकाल देनी है। प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 2 प्रोटॉन 1 मॉलिक्यूल के पास होंगे। अब बात आती है मोल की, तो यहाँ पे क्योंकि 2 मोल दिया गया है और मोल का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जो 1 मोल होता है दिस इज इक्वल्स टू एन ए एवोगेड्रोज नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.023 × 10³³ होती है। नियरली हम इसको 6 × 10³³ भी ले सकते हैं। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी काउंटेड एज 2 × 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स हो गए, और क्योंकि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 प्रोटॉन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटू टू करके हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाते हैं। तो इसको हम इंटू टू वर्क कर देंगे और यही नंबर हमारा एन का नंबर काउंट होगा। यह हमें एन मिल चुका है। चार्ज हमसे निकालने के लिए कहा गया है और ई की वैल्यू हम पहले से जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो बस शुरू करेंगे कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाकर, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, एन की वैल्यू हमारे पास आ रखी है 2 × 6.023 × 10⁻²² और अब इसको आप 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व अगर करते हैं चाहते हैं हम इसको तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 16 6.4 हो जाएगा, ये 1.6 है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये सॉल्व होकर बन रहा है 2 × 2 = 4 हो चुका है और फिर 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 16 × 4 = 64, 6.4 बन जाएगा इंटू, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 6 ले लिया, 10³² और -19 क्योंकि बेस सेम है तो इनको ऐड कर देंगे हम, तो 23 और -19 हमें मिलता है +4। आगे आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 6.4
तो ये 6424 बन रहा है, कैरी आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 6637 38 38.4 × 10⁴ कूलम की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें आंसर मेगा कूलम में निकालना था, तो कूलम को कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁶ से डिवाइड करते हैं। अगर आप इसे 10⁶ से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 38.4 × 10⁴ / 10⁶, एंड नाउ इट विल बिकम मेगा कूलम। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है, दो चार जीरो हम यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 10⁻² बचेगा और अपॉन का 100 इसको बना देगा 0.384 मेगा कूलम। तो हमें आंसर दिया गया है 0.3853, वो इसलिए क्योंकि 6.023 एग्जैक्टली लेकर सॉल्व किया गया है वहाँ पर। आपने अगर इतना भी आंसर बताया तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह समझ में आ गया होगा, और ऐसा है तो हम चल सकते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को छुपा कर दिया गया है। आई होप कि आप इसे अपनी तरफ से थोड़ा सा कुछ समझ सकते हैं, और अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पर हमें हेल्प करेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने मास की वजह से बनता है, उसकी वैल्यू है 9.1 × 10⁻³ = 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं यूनिटरी मेथड का, तो यहाँ सिर्फ 1 kg रखिए और ये जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड ले जाकर अपॉन में ले जाइए, तो अपॉन में 1 upon 9.1 × 10⁻³ इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 1 kg के बराबर होते हैं। तो अगर 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 75 kg में कितने होंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड है, 75 kg विल बी इक्विवेलेंट टू 1 upon 9.1 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 75। इतने हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, इसका मतलब ये एन है। रही बात ई की, तो वो हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर इस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं। ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, और चार्ज हमसे पूछा गया है। तो बस अब सिर्फ फॉर्मूला लगाने की देर है, वो हम पहले से ही जानते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, एन की वैल्यू हमारे पास है 75 डिवाइडेड बाय 9.1 को मैंने 9 ले लिया है कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, 10⁻³⁹ इंटू में 1.6 × 10⁻¹⁹। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो -31 ऊपर जाकर +31 हो जाएगा, नीचे वैल्यू आ रही है हमारे पास 75 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू -31, ऊपर जाके +31, -19 से वैल्यू बनती है 12। 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 3 9 है, 3 2 6, 3 5 15, 25 × 1.6 ये बन रहा है। इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो कैलकुलेशन करने का पार्ट है, आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे चाहें, चाहे मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए चाहे डिवाइड पहले कर लीजिए। बेसिकली ये इजी बनाने के लिए ऐसा आप कर सकते हैं कि 25 × इसे बना लेते हैं 1.6, और ये जो 1.6 है इसको हम 16 लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमें 10 की ज़रूरत होगी, जो हमने 10 की पर 12 से कैरी कर लिया और नीचे 3 को ऐसे ही रहने दिया। 16 का एक 4 अगर हम 25 को दे देते हैं तो यहाँ सिर्फ एक 4 बचेगा, वो 100 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4। 16 को बेसिकली हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं सो दैट कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, 10⁻¹⁰ / 3। अब हमारा जो 25 × 100, 25 × 4 है वो 100 बन जाएगा, और वैल्यू बचेगी सॉल्व करने के लिए 4/3, 10⁻¹⁰ और 100 मिलकर हो गया 13, और यही हमारा आंसर है। 4/3 की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 1.33 × 10⁻³ कूलम होगी, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसलिए नेगेटिव होगा,
ये बात आप लास्ट में बता सकते हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी चॉइस से, कैसे भी कैलकुलेशन करें, बस ये ध्यान रखें कि कैलकुलेशन करते वक्त पूरा फोकस आपका होना चाहिए सो दैट आप गलती ना करें। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ हमसे पूछा गया है हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देयर इन ए कप ऑफ वाटर। ये लेवल और बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होने की रिक्वायरमेंट है कि अगर हम एक कप ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका कंटेंट बाय डिफॉल्ट हमें 250 ml या 250 cm³ मानकर चलना होता है। तो अगर आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछा जाए ऑफ वाटर, तो पहले तो आपको इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसमें कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो H2O को ब्रेक करके मिलेगा जिसमें दो हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन के दो प्रोटॉन और ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन, तो टोटल हमें मिलते हैं 10 प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा 1 कप ऑफ वाटर है जो कि 250 cm³ होता है उसमें हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें ये भी पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर होता है ये होता है 18 ग्राम। अगर नहीं पता है तो आप इसे याद रखिए जरूर। इसका मतलब ये है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल के बराबर होगा। तो अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर हमने लिया है तो ये Na/18 हो जाता है। और अब हमें देखना है कि हमारे पास 250 ml या cm³ ऑफ वाटर है, तो यहाँ से अगर हम मास बनाना चाहें, मास, तो ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम यहाँ हमें 250 दिया गया है, डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो ये बेसिकली 250 ग्राम डायरेक्टली लिया जा सकता है। तो हमारे पास 1 कप ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 250 ग्राम है। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर होता है इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर, तो ये हो जाएगा Na/18 मल्टीप्लाइड बाई 250। ये भी सिंपल हमारा यूनिटरी मेथड है। तो इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा एन जो होगा ये हमें मिल जाएगा Na/18 250। ये तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं और हमें पता है कि हमारे एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन होते हैं, तो इसे हमें 10 से और मल्टीप्लाई करना होगा। एन हमें मिल गया है, ई हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अब हमें चार्ज निकालने से कोई नहीं रोक सकता और आप चार्ज की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन ई, जिसमें एन की वैल्यू हमें मिल रही है एन ए, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ यहाँ पर 6.023 होती है, बट कैलकुलेशन के लिए 6 ले लेंगे, 10⁻²³ इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ ले लिया हमने और डिवाइड करने जा रहे हैं इसे 18 से। तो अगर आपने इसे 6 मान रखा है तो ये आप डायरेक्टली 3 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। आगे की कैलकुलेशन आपकी चॉइस है, जिसे हम मैथमेटिकल एंजॉयमेंट भी बोलते हैं, और वो आप अपनी चॉइस से कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 10⁻², यहाँ से 1 0 24, यहाँ से 1 और 0 25, या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये डेसिमल हटाने के लिए 1 0 को कुर्बान कर दीजिए और यहाँ पर 10⁻², 24, अब ये बचता है 25 × 16, जिसको हम 4 × 4 लिख लेंगे सो दैट वो 100 बन जाए 25 के साथ एक वैल्यू। और रही बात 10⁻², 24 था, -19 एडजस्ट करेंगे तो 10⁵ बच रहा है और नीचे आ रहा है हमारे पास 3। तो 4/3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.33। और रही बात यहाँ से 2 0 ये मिलेंगे और 5 ये, तो 10⁷ कूलम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आप इसे पॉजिटिव कह लो या नेगेटिव कह लो या आपकी चॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में आप निकालेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे,
जो हमने किए बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पर। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पर और वो है हमारा अगला टॉपिक कूलम्स लॉ। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर भी शुरू करें, उससे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस यानी कि ऐसे चार्जेस जिनका साइज उनके बीच में ली गई डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जो कि नेचर में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कोई भी नेचर का हो सकता है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन ये आता है। वहीं अगर आपको दो चार्जेस के बीच में मीडियम दे दिया गया है तो उस केस में हम यहाँ पर मीडियम का एक कांस्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उस फैक्टर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये के एक्स्ट्रा आर्क है, अगर आप के नहीं रखते हैं तो के और इस एप्सिलॉन नॉट की जगह आप एप्सिलॉन रख लेते हैं, ऐसा आपने टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। फिर भी अगर आप टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा और वहां से आप टॉपिक को चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। यहां से हमें एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि जो ये एप्सिलॉन टर्म है इसको हम एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर रखते हैं और उसी से के का फॉर्मूला हम बनाते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। दूसरा ये एफ जिसको हम एफ मीडियम के लिए भी डिनोट कर रहे हैं और ये एफ नॉट यानी एयर के लिए डिनोट कर रहे हैं, दोनों का रेशियो लेंगे अगर तो ये भी के बराबर आता है। और इसे हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के साथ साथ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट है, कुछ वैल्यूज हम याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे के की वैल्यू एयर के लिए आती है 1 और इन्फिनिटी आती है मेटल्स के लिए, बाकी कोई भी मीडियम होगा उसकी वैल्यू के लिए के की वैल्यू 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी होगी। जैसे अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर के लिए जो के आता है वो लगभग 81 होता है, माइका के लिए जो के होता है वो लगभग 6 के आसपास आता है। इसी तरह से अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो खैर ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी रहेगी तो आपको वैल्यू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो ये वाली वैल्यू जरूर याद रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट है, वैल्यू है यूनिट के साथ। और इसमें आने वाली टर्म एप्सिलॉन नॉट जिसे हम परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी इसकी वैल्यू एयर के लिए कैलकुलेटेड है 8.85 × 10⁻½ न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो खैर ये तो टॉपिक का रिकॉल अब हो गया है, अब जरा बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। कोशिश ये की गई है कि वैरायटी सभी तरह के इंक्लूड की जा सके, बट अभी क्योंकि हम P10 की बात कर रहे हैं तो इसमें अभी फिलहाल के लिए 10 क्वेश्चन में ही मैक्सिमम कैटेगरी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। फिर भी आप लोग क्वेश्चंस एक्स्ट्रा की भी प्रैक्टिस करते रहें और अगर कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट में भी लिखकर आप पूछ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे आज के पेपर का आ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ द इधर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली फिगर अगर हम बनाते हैं तो हमसे कहा है कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और बेसिकली ये दोनों ही प्रोटॉन है, यानी कि दोनों का चार्ज सेम हो गया, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो वो कितना होगा वो निकालना है अगर इनके बीच में आने वाला फोर्स इन्हीं के वेट यानी कि mg के बराबर हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कि जो फोर्स है वो F इज इक्वल्स टू mg के बराबर बनता है, ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने कहा। वेट को हम mg लिखते हैं, याद रख mg, कुछ बच्चे इसको सिर्फ m लेने की कोशिश करते हैं जिससे गड़बड़ हो जाती है। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, चार्ज यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू दी गई है Q के बराबर विच इज 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड दैट्स ऑल, एफ की वैल्यू आपको mg के बराबर दी गई है। तो यहाँ पर आप कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे कि एफ का फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको आप के भी लिख सकते हैं,
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, के Q1 Q2 क्योंकि दोनों सेम है तो Q स्क्वायर कर दिया हमने उसे अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस निकालनी है तो पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, और ये जो एफ था इसको हम नीचे ले आते हैं। अब ये जो एफ है इसकी वैल्यू हमें पता है ये एम जी के बराबर है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे के क्यू स्क्वायर बाय एम जी। अब यहाँ से सॉल्व करना है तो हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से वैल्यू रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एक बार ये पे भी देख लीजिए कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी आर स्क्वायर दिया हुआ है जो हमें सॉल्व करना है, और आंसर में हमें आर चाहिए, यानी आप जो भी यहाँ सॉल्व करेंगे आपको बाद में अंडर रूट करना पड़ेगा। तो बेटर है आप रूट की एडजस्टमेंट भी साथ साथ करते चलें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको स्क्वायर निकालने की कैलकुलेशन आती है कोशिश करें आर स्क्वायर के सामने जो एक्सप्रेशन है वहाँ अगर ऑलरेडी कोई स्क्वायर है तो उसको तो बिल्कुल ना छेड़ें, और कोशिश करें बाकी वैल्यूज़ को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करने की। जैसे कि के की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 9 × 10⁻⁹ है, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी 1.6 × 10⁻¹⁹ है लेकिन स्क्वायर में है तो हम इसको टच नहीं करेंगे फिलहाल। नीचे बात आती है एम, तो एम इज़ 1.67 × 10⁻²⁷ मास ऑफ प्रोटॉन है, और जी की वैल्यू 9.8 होती है वैसे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। कैसे कर सकते हैं आप, इसमें एडजस्टमेंट करिए, स्क्वायर बनाइए, देखिए कहाँ कहाँ पर स्क्वायर बन सकता है। जैसे कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो अगर हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं और ये −27 को 9 के साथ ऊपर मिला देते हैं तो 9 और 27 मिलकर हो जाता है 36, जिसे हम 10⁻¹⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फैक्टर हमारा ऑलरेडी स्क्वायर है, एंड नीचे मिलेगा यहाँ पर है 1.67 और यहाँ है 9.8। तो ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा कि 1.67 को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और 9.8 को थोड़ा सा बढ़ा के 10 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसका फायदा ये होगा कि 1.6 और 10 मिलकर 16 बन जाएगा, और उसको भी हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो बेसिकली अब ये हमारी कैलकुलेशन बन रही है आर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर हटा दिया जाए तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 10⁻¹⁸ का स्क्वायर था तो सिर्फ 18 बचा, यहाँ पर 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर था तो सिर्फ सिंगल वैल्यू बची, और नीचे क्योंकि 16 जो कि 4 का स्क्वायर था तो उसको हम सिर्फ 4 लिख लेते हैं। यहाँ से 4.4 दे देगा आपको वैल्यू, और 4 × 3 1.2 × 10⁻¹₁ एक्सप्रेशन हमारा ये बन रहा है। तो 1.2 × 10⁻¹₁ मीटर में आ जाता है, और इसको अगर आप लिखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.12 मीटर बनता है। तो नियर बाय सेम है ये आंसर आपको यहाँ पर, ये यूनिट का थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ये एक्सप्रेशन आपका 1.118 मीटर होना है इसका आंसर। तो ठीक है, हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाली है, तो जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 0.12 हो गई है, 0.118 का राउंड ऑफ करोगे तो आपको 0.12 ही मिलेगा, नियर बाय सेम है, बजाय टिपिकल कैलकुलेशन में उलझे रहने के अगर आप नियर बाय अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर भी पूरे मार्क्स हमें मिलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें आपको जो भी आंसर निकालना है वो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। अभी तक जो पीछे हमने आंसर्स किए थे उसमें आंसर्स लिखे हुए ज़रूर थे, बट आपको एग्ज़ाम में आंसर्स लिखे हुए नहीं मिलते हैं, ऐसा आपको पता ही है, वो सिर्फ आपके कंफर्मेशन के लिए और कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है। पार्टिकल ऑफ मास एम एंड कैरिंग चार्ज −Q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +Q2 अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, टू प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ −Q1 अबाउट +Q2।
इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास, क्योंकि केस कुछ ऐसा है कि हमें एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी और इसमें हमसे ये कहा गया है कि इसके सेंटर पर एक चार्ज बैठा है Q2 प्लस में, और यहाँ एक चार्ज है माइनस Q1 जिसका मास m है और वो r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। मान लेते हैं अगर ये v स्पीड, लीनियर स्पीड या ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो इसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हमें पता है क्या चाहिए होगा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो इस माइनस Q1 के ऊपर प्लस Q2 ने अपनी तरफ लगाया होगा अंदर की तरफ, और इसी की वजह से ये इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करके अपने चारों तरफ घुमा पर। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हो जाएगा, हेयर नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, किसने दिया, वो इलेक्ट्रिक फोर्स ने दिया है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, मतलब आप ये लैंग्वेज नहीं भी लिखते हैं और सीधे कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स तो भी करेक्ट है। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का फॉर्मूला हम इसलिए ले रहे हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले हैं जो हमारे पास होते हैं, कॉमनली यूज एम वी स्क्वायर बाय आर है और दूसरा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर टाइम पीरियड छुपा है और हमें टाइम पीरियड ही यहाँ पर निकालना है। रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। यहाँ से एम और आर को हम नीचे भेज देते हैं, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। अब यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट में Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, और क्योंकि ओमेगा 2π/T बनता है तो अंडर रूट में Q1 Q2 upon 4π/T एम आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी मिल जाएगा, अंडर रूट में रिवर्स हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, तो 4π/T एम आर क्यूब अपॉन में Q1 Q2, और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ गई थी तो 2π बाहर था, इस 2π को भी रूट के अंदर डालेंगे तो ये रूट के अंदर जाने पर स्क्वायर होगा। जैसे अंदर अगर आप 4 है, उस 4 को बाहर निकालते हैं तो आपको 2 लिखना पड़ता है, तो इसी तरह से 2 को अंदर डालेंगे तो 4 बनेगा, तो 2π को अंदर डालेंगे तो 2π का स्क्वायर आएगा। तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है, 2π का स्क्वायर बन गया ये। 2π का स्क्वायर में 2² 4, 4 और 4 16, पाई के साथ पाई स्क्वायर तो पाई क्यूब, और फाइनली हमारा फॉर्मूला ये तैयार हो रहा है विच इज 16π³ε0 mr³ / Q1 Q2। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली ये प्रूव हो गया और यही हमें लाना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बता रहा है द सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकुलम, दे रिपेल इच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन कैप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो सॉल्यूशन जो हमें करना है, दोनों चार्जेस की वैल्यू चाहिए, लेट Q1 एंड Q2 बी टू चार्जेस, और इनका सम क्योंकि 7 माइक्रोकुलम है तो ये इन माइक्रोकुलम होंगे, सच दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस Q1, और ये भी माइक्रोकुलम में रहेगा। याद रहे वैल्यू माइक्रोकुलम में है, तो जब हम न्यूमेरिकल में पुट करेंगे इन वैल्यूज को तो ये अकॉर्डिंगली ही पुट करनी है। अच्छा, फोर्स हमें दिया गया है 1 न्यूटन और डिस्टेंस हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर, लेकिन इसे मीटर में कन्वर्ट करना बिल्कुल ना भूलें वरना न्यूमेरिकल यहीं पर गलत हो जाएगा। तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया है। नाउ
फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन का काम करेंगे, तो एफ इज़ वन, के इज़ 9 इंटू 10 to the power 9, क्यू वन ओनली, बट क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है और न्यूमेरिकल हम SI में सॉल्व कर रहे हैं तो इसका माइक्रो एडजस्ट करना पड़ेगा, -6। ऐसे ही क्यू टू की वैल्यू 7 माइनस क्यू वन, और इसका भी माइक्रो एडजस्ट करेंगे तो ये बन रहा है 7 माइनस क्यू वन इंटू 10 to the power -6 अपॉन में आर स्क्वायर है, तो उसको हम 0.3 इंटू 0.3 लिख ही लेते हैं। यहाँ से दोनों पॉइंट एडजस्ट करते हुए ऊपर 100 दे सकते हैं और नीचे का 3 इंटू 3 मिलकर इस 9 को कैंसिल कर देगा, तो हमें वैल्यू मिल रही है फिर 1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्यू वन है इंटू 7 माइनस Q1 है, तो ये बेसिकली 7Q1 माइनस Q1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ से 9, 10 और 11 है, -6, -6, -12 है, तो बेसिकली 10^-1 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 10^-1 ही जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर भेजेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है 10 इज इक्वल्स टू 7Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। तो Q1 स्क्वायर माइनस 7Q1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हैं आई होप, तो इसके लिए बस आपको इतना सा काम करना है कि ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस 5Q1 माइनस 2Q1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो Q1 कॉमन करेंगे तो Q1 कॉमन किया तो Q1 -5, और -2 कॉमन किया तो भी Q1 -5 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल रहा है Q1 -5 एंड Q1 -2 इक्वल्स टू 0, जिससे हमें Q1 की वैल्यू मिल गई है 5 और 2। तो अगर हमने Q1 को 5 माइक्रो कूलम लिया है तो Q2 को हेंस Q1 इज 5 माइक्रो कूलम एंड Q2 इज 2 माइक्रो कूलम। अदरवाइज आप इंटरचेंज करके Q2 Q1 भी लिख सकते हो, Q2 5 माइक्रो कूलम और Q1 2 माइक्रो कूलम, विच मीन्स द सेम। तो यही हमारे आंसर्स हैं, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने का जितना बड़ा डराने वाला भी उतना ही बड़ा लगता है, बट ऐसा है नहीं। अगर हम ध्यान से पार्ट वाइज क्वेश्चन को पढ़ें तो देखते हैं क्या कहता है ये। सपोज टू स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल चार्जेस, वैल्यू दे दी हमें चार्ज की, आर ऑफ इक्वल साइज, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस भी दे दिया, एंड रिपेल ईच अदर बाय फोर्स ऑफ दिस वैल्यू। तो गिवन तैयार कर लेते हैं पहले एक बार, हमें Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम दिया हुआ है। डिस्टेंस हमें दी है 50 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और फोर्स आपको दिया है 0.0015 न्यूटन। अच्छा, अब आगे क्या कहा गया है, तो अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, तो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ आपसे जो कहा गया है इसके लिए अगर आप इसका फिगर बना लेंगे तो जस्ट समझना ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर हमें एक चार्ज दिया है ए और एक दूसरी बॉडी है बी, और दोनों के ऊपर चार्ज आइडेंटिकल है क्यू और क्यू, इसको हम क्यू ही मान लेते हैं। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दी गई है और फोर्स भी बता दिया गया है एफ। अब आपसे क्या कहते हैं, अब आपसे कहते हैं कि जो ए है इसको कांटेक्ट में लेकर आते हैं एक थर्ड स्फीयर सी के साथ, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है जीरो, इसके ऊपर तो चार्ज है क्यू, और फिर इन दोनों को अलग कर देते हैं, ए को अलग सी को अलग। उसके बाद जो सी था उसे बी के साथ कांटेक्ट में लेकर आएंगे, जिस बी के ऊपर चार्ज था क्यू, और फिर इनको भी अलग कर देंगे। अब ये जो अलग करने की सिचुएशन है इसको जरा अच्छे से समझना है कि यहाँ पर अलग करने पर कांटेक्ट में लाकर जो चार्ज का प्रोसेस होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कंडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसका मतलब यह है कि जब भी दो
अनइक्वली चार्ज बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो वो हमेशा टोटल चार्ज का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पर ये दो अनइक्वली चार्ज बॉडी हैं, एक के पास चार्ज क्यू है, दूसरे के पास जीरो, तो टोटल चार्ज होता हो जाता है क्यू प्लस जीरो यानी कि क्यू। तो उस क्यू का आधा आधा ये दोनों बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। अगले स्टेप में बी जिसके पास चार्ज क्यू था और सी जिसके पास चार्ज क्यू बाई टू आ चुका था, भले ही उसे स्टार्टिंग में अनचार्ज बताया गया था बट पहले स्टेप के बाद अब उसके पास चार्ज क्यू बाई टू आ चुका है। तो यहाँ अगर हम टोटल चार्ज देखें तो ये हो जाता है 3Q/2। तो सेपरेट करने पर दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो 3Q/4 और 3Q/4 होगा। अब ए और बी को उसी सिचुएशन में वापस रखना है, बट नाउ देयर चार्ज हैज बीन चेंज्ड। हाँ, डिस्टेंस वही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चार्ज हो चुका है क्यू बाई टू जो कि ये वाला चार्ज है, और यहाँ चार्ज हो चुका है 3Q/4 जो कि ये वाला चार्ज। तो अगर हम इनिशियल फोर्स की बात करें एफ की, तो वो था के क्यू इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बट जो अब न्यू फोर्स है, न्यू फोर्स ये हमारा ओरिजिनल फोर्स था। न्यू फोर्स एफ वो हो जाएगा के, तो ऐसे ही रहेगा बट क्यू डैश, और इनकी वैल्यू हम रख लेते हैं। पहला वाला चार्ज आपका क्यू बाई टू हो चुका है, दूसरा वाला 3Q/4 हो चुका है अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर एज इट इज है। तो यहाँ से देखें तो 1/2 और 3/4 बेसिकली 3/8 टाइम्स हो रहा है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का, जिसको हम 3/8 ऑफ ओरिजिनल फोर्स कह सकते हैं। तो अगर हम इस एफ डैश को निकाल रहे हैं तो यहाँ से एफ डैश इसका सोल्यूशन इधर देख लेते हैं। एफ डैश की वैल्यू 3/8 टाइम्स ऑफ एफ है जो कि 0.0015 है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 15 × 3 = 45 है, 0.0045 डिवाइडेड बाय 8। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू ये 5.62 × 10⁻⁴ न्यूटन बन जाती है। ये आंसर आप अपने आप ही मैथमेटिकल इंजॉय करके इसको चेक कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा P10 का 10th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जरा कॉन्सेप्ट कुछ हटके पूछा गया है। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट में हमसे क्या कहा गया है कि आपके पास अगर अ चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। यहाँ बेसिकली आपसे जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो मैथमेटिक्स का मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको एक बार थोड़ा सा साइड वाइज समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, कोई भी फॉर्म होगी, यहाँ पर सर्टेन फॉर्म होगी, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x+3 ऐसा कुछ दिया है आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और आपको चेक करना है कि वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। दोनों के लिए एक ही कंडीशन है चेक करने की कि इसका आप डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी, किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में हो जाएगा। तो यहाँ आप मान लो सपोज आपने एक्स के ही टर्म्स में कर दिया और इसको पुट करना है जीरो। जीरो पुट करने के बाद जो सॉल्व होकर आएगा ये आपका मैक्सिमम मिनिमम दोनों की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। उसमें भी मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है, बट फिजिक्स में भी फिलहाल उसकी ज़रूरत हमें इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे खुद ही बोल दिया है कि मैक्सिमम वाली ही कंडीशन है, तो जिसको मैक्सिमम प्रूव करना है उसको देखेंगे वो कौन है, फोर्स है, और जिसको वेरिएबल बनाना है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसे चेंज करना है, वो है चार्ज। तो यहाँ पर वेरिएबल के टर्म्स में ही डिस्ट्रीब्यूट भी डिफरेंशिएट भी हमें करना होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसा है। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड इन टू ऑब्जेक्ट्स, मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इनके ऊपर हमें कैपिटल क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक के ऊपर क्यू वन रखना है, एक के ऊपर क्यू टू रखेंगे, लेकिन ऐसा रखेंगे क्यू वन और क्यू टू मिलकर हो जाए कैपिटल क्यू। तो क्यू वन को अगर हम क्यू मान लेते हैं तो कैपिटल क्यू के टर्म्स में इसको हम क्यू माइनस क्यू मान सकते हैं। तो हमने वही कंसिडर करना है, लेट क्यू वन इज इक्वल्स टू क्यू एंड क्यू टू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू माइनस क्यू। ये हमारे दो चार्जेस हो गए ए और बी।
जिनके ऊपर इतने चार्जेस हैं उनको डिस्टेंस आर पर आपने रखा है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ये होना चाहिए एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो टेक्निकली ये बन गया हमारे पास के अपॉन आर स्क्वायर क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा फोर्स है। अब जो क्वेश्चन में कहा है कि एफ मैक्सिमम चाहिए, तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम कंडीशन इज डी बाय डी ऑफ क्यू, चार्ज वेरिएबल है इसमें, तो फोर्स की वैल्यू निकालेंगे और इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो जब आप ये काम करेंगे तो डी बाय डी क्यू ऑफ एफ दैट मीन्स के अपॉन आर स्क्वायर क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इस कैप टू बी जीरो। इसमें के अपन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल कर जीरो के नीचे भेजेंगे तो जीरो ही हो जाएगा वो। डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से कंबाइन करेंगे तो कैपिटल क्यू बाहर आकर डी क्यू अपन डी क्यू वन बनता है और क्यू स्क्वायर का टू क्यू बनता है। तो यहाँ से कैपिटल क्यू इज टू क्यू और स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टू। तो इससे हमें आंसर मिल गया, जो क्यू वन था वो क्यू यानी कि क्यू बाई टू था, और क्यू टू यानी कि कैपिटल क्यू माइनस क्यू यानी कि क्यू माइनस क्यू बाई टू यानी कि क्यू बाई टू था। तो इसका मतलब क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्यू बाई टू हमारा आंसर बन रहा है, यही हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो, और ये आपके 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हमारे कंसर्न दो टॉपिक पर बेस्ड। कमेंट कर कर ये ज़रूर बताएं कि ये पेपर इस तरह का आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो फर्दर भी आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है, तो ये हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं सो दैट आप एक बार में एक ही टॉपिक पर फोकस कर सकें। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बोर्ड की तैयारी उतनी ही ईजी होती जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहें। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप क्वेश्चंस पुटअप करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है और इसको ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस में एक बार रखें अपने साथ। तो आपके लिए जो बोनस क्वेश्चन है वो ये रहा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसे पॉज करके आप नोट करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो एक्सप्रेशन प्रूव करना है और आपके फाइनल रिजल्ट में ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। कमेंट करके बताएं कि आपको बोनस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला, आपको मिला तो वो समझ में अच्छे से आया या नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन आप कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा आपको, बट ज़रूरी है कि वो आपको अच्छी तरह से आता है या नहीं। कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप खुद कैपेबल हैं इसको बिना देखे कहीं से करने के। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट P10 में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।